गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत शोर हो रहा है आज, और गाइज आज की मॉर्निंग हुई है कैफे से, और सुबह सुबह एक फनी इंसिडेंट ये हो गया। हम कैफे के ऑपरेशंस 9:30 to 10 में शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे रूम्स भी हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट टाइम रहता है 9:30 to 10:30, तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट गेस्ट के लिए अपने ऑपरेशंस ओपन कर देते हैं। मैं ऊपर रूम से नीचे कैफे आया ये सोच के कि ब्रेकफास्ट कस्टमर है तो ये लोग तो निपटाई देते हैं, और जब मैं आया मेरे को लगा कि कोई नहीं होगा, तो मैं हाथ में अपना सामान ला रहा था, और द मोमेंट मैं नीचे पहुंचा एक कस्टमर, मतलब एक टेबल ऑलरेडी बैठी हुई थी, तो हमारे आने से पहले ही आज कैफे में कस्टमर आ चुके थे। और सुबह सुबह गाइस दे हैड मोमो एंड थुप्पा, मतलब मुझे एक मिनी हार्ट अटैक आया कि सुबह सुबह कोई कैसे खा सकता है, बट कोई बात नहीं गाइस। आज है फ्राइडे, तो वीकेंड कस्टमर आज से आना शुरू हो जाता है। वी आर वेरी एक्साइटेड। फ्राइडे सैटरडे संडे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे फेवरेट डेज हैं, तो अब देखते हैं आज कैफे में क्या क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं कैसा आज का दिन हमारा जाता है। तब तक फिट चेक कराते गाइस, वेट इतनी जल्दी बाय नहीं होगा। फिट चेक आज फिटनेस और चेंज भी है। ये देखिए गाइस, हमने आज डिच किया है अपनी रेगुलर ब्लैक लूज पैंट्स को, और आज हमने ली है अपनी ब्लू जॉगर्स, उनके साथ अपने डेली शूज, मेटालिक टी। इसका बैक प्रिंट आप देखिएगा गाइस। फॉर टुडे आई हैव अ गट फीलिंग कि जैसे हमारे पास फ्यू डेज गए एकदम सक्सेसफुल, बहुत अच्छे, आज भी एक अच्छा दिन होने वाला है। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो कस्टमर टूरिस्ट जो कस्टमर है वो भी आ रहा है, और जो लोकल कस्टमर है वो वीकेंड के उससे बाहर निकलता ही है। और हमने कल रात देर रात तक 11:30 तक डिलीवरी करी है, आज भी होपफुली ऐसा ही हो। इस भवाली में ठंड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है, तो हमने अपना हुड निकाल लिया है। ठंड बढ़ने का मतलब है हमारे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है, क्योंकि ठंड में ज़्यादा लोग आते हैं और ज़्यादा लोग खाते हैं। गाइज मैं अपना व्लॉग टीवी में देख रहा था, एंड आई नोटिस वन थिंग कि यार जो आपके होस्ट हैं आयुष्मान सिंह निकलटिया, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं यार व्लॉग्स में। अब ये स्नैपचैट का कमाल है, हमारे टीवी के बड़ी स्क्रीन का कमाल है, तो मुझे पता नहीं, बट रियली मुझे खुद लगा कि यार मैं तो काफ़ी स्मार्ट लग रहा हूँ। ये कल वाले व्लॉग में नहीं, उससे पहले वाले में जब पर्पल टी शर्ट पहनी थी उस वाले में ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। और आज बताइएगा आप लोग कि गाइज आज स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। गाइज आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई एम सो ओवरवेलम, आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग जितना ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पता है गाइज सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, और इतना समय किसी के पास नहीं हो पाता कि व्लॉग देखें। जब भी आप लोग को समय मिल रहा है आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही गाइज सपोर्ट करते रहिए और शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतनी ही हमारी ऑडियंस बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। एंड गाइज रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग सम मेल व्लॉगर्स, ताकि मुझे एक आइडिया मिल सके व्हाट कंटेंट टू पुट अप। और मैंने कल किसी का व्लॉग देखा, मतलब किसी का क्या, बहुत फेमस व्लॉगर है वो हमारे हल्द्वानी से ही, तो उनकी मैंने देखा कि उनकी लंदन की फ़्लाइट छूट गई है 4.5 लाख की टिकट की। तो गाइज मुझे बताते बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी भी हल्द्वानी की फ़्लाइट छूट गई है 5.5 लाख रुपये की। एक अनदर बेस्ट सेलर जो हमारा इमर्ज हो रहा है, मतलब एटलीस्ट हर डे इसके 10 से 12 ऑर्डर रहते हैं, वो है ये चिकन रोल। द थिंग इज गाइज कि आप सब ने चिकन रोल देखा होगा, खाया होगा, बट जहाँ हमारा कैफे है भवाली में यहाँ रोल्स कहीं नहीं मिलते, सो वी आर द ओनली वन सर्विंग रोल्स राइट नाउ, और कस्टमर पसंद कर रहे हैं, हमारे शेफ अच्छा बना रहे हैं। आज मैं पहली बार इनको टेस्ट कर रहा हूँ। गाइज बहुत अच्छा दिन जा रहा है अभी तक, फ्राइडे है, वीकेंड की शुरुआत है, और आपको पता ही है दिल्ली G20 की वजह से बंद है, तो सारा टूरिस्ट कैंची धाम, नैनीताल, भीमताल यहाँ सब आया हुआ है, बढ़िया काम चल रहा है। अच्छी बात ये कि हमारे रूम्स भी लग चुके हैं आज, तो आज तो बहुत मेहनत होने वाली है गाइज, आपको दिखाते हैं चलिए आज का दिन कैसा जाता है। गाइज सबसे बड़ा जो टास्क है मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी सारी टेबल्स हैं, 8 टेबल हैं हमारी, सबसे बड़ा टास्क तब होता है जब 8 में से 5-6 टेबल लग जाती हैं और सब डिफरेंट ऑर्डर मारते हैं। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम रियली सॉरी अभी बहुत नॉइज़ आएगा आपको, बट मेरे पास ब्लॉग करने के लिए और कोई जगह नहीं है, अंदर टेबल्स पैक हैं, ऊपर में रूम्स में ज़्यादा काम क्या करते थे कि थोड़ा आराम करके रूम्स ले जाते थे, बट आज रूम्स भी पैक हैं तो हम कहीं नहीं जा सकते, हम अपनी बालकनी में बैठे हैं। और मैं इतना ही बोलूँगा कि और जो मैं ब्लॉग करता था और ये बोलता गाइज बहुत थक गए, तो वो टाइम यूजुअली 7:30 का होता था, बट आज अभी टाइम हो रहा है 4:32, और मैं अभी से बोल सकता हूँ कि गाइज डेड सी ब्रो, अभी टाइम हो रहा है 5:24, और बहुत समय बाद सारी टेबल्स अभी खाली हुई हैं। गाइज आज तो 5:30 बजे ही थक गए, आज तो रूम में लेटने भी नहीं आ सकते क्योंकि रूम भी पैक है, बट काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है गाइज वीकेंड की, चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। गाइज अभी लाइट चली गई थी, और ये देखिए हमें हर टेबल पे कैंडल लगानी पड़ी, कैंडल लाइट डिनर तो ठीक है लेकिन हालत ख़राब हो गई थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस लाइट वापस आ चुकी है।
गाइज आई डोंट थिंक आज व्लॉग हो पाएगा सही से, अभी तक हार्डली 5 to 6 क्लिप्स ही बनी है। हम बुक है पूरे 9 लोगों की बुकिंग है, टेबल्स हमारी ऑन एंड ऑन चलते जा रही है। आई डोंट थिंक आज व्लॉग हो पाएगा गाइस, सॉरी। कन्नू कैसा रहा आज का दिन? अरे आज का दिन बड़ा थकान पूर्वक रहा, कह सकते हैं हम। गाइस इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अब हम खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। गाइस आज तो आलम यह है कि हमारे खुद के सोने का भी हिसाब नहीं है बट देखते हैं कि क्या करते हैं। ये देखो इनके हालात देखिए, ये सोने के वो नहीं है गाते, पहले इन्होंने सर पकड़ लिया। कैसा रहा दिन गाइस, दोनों मिलके बताओ, चलो कैसा रहा? जबरदस्ती गाइस, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये, आधे से ज्यादा काम इनका मैं करता हूँ फिर भी एक्टिंग ऐसी करते हैं। चलो आओ थंबनेल के लिए एक फोटो लो। हाँ यहाँ पे आओ। चलो गाइज अभी चल रहा है स्टाफ का खाना। आज का दिन बहुत अच्छा था गाइज, बहुत अच्छा था। कैफे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा था ही था, हमारे स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा था। हमारे तीनों रूम आज पैक हैं, तीनों रूम में हमारे 9 गेस्ट आए हुए हैं, तो 9 गेस्ट ने जब डिनर किया लंच किया तो दे वर वेरी हैप्पी बाय आर मैनेजमेंट, बाय आर सर्विस एंड बाय आर फूड। अच्छा लगता है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है बहुत अच्छा लगता है। आज व्लॉग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा गाइस, आप लोगों को पता ही है। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, देखते हैं कल का दिन क्या नए चैलेंजेस लाता है, क्या नई खुशियां लाता है। कल है सैटरडे, कल भी ऐसे ही पैक रहने वाला है। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। डू लाइक, डू शेयर, डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब।